हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन सा ऑप्शन बाय करें, कौन से ऑप्शंस के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है कॉल साइड में या फिर पुट साइड में। ऑलरेडी पुट साइड में दो दिन से एक लगातार हमें एक जैकपॉट लग रहा है। कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में एक भी सीई का ट्रेड हमने नहीं लिया। तीन ट्रेड्स हमने लिए थे, वो सारे के सारे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड्स रहे हैं जो कि हमने पी साइड के लिए लिए थे। आज भी निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी के एक्सपायरी में भी हमने सारे के सारे पी के ट्रेड्स लिए और पी के ट्रेड्स के अंदर बढ़िया जैकपॉट लगा है। इसके साथ साथ फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दो दिन से मैंने लगातार फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड किए, उससे पहले भी कर रही थी, लेकिन ये एक्सपायरी वाले जो ट्रेड्स रहते हैं वो बढ़िया रहते हैं क्योंकि इसमें जो मोमेंटम मिलता है, इसमें जो प्राइस मिलती है, एक तो हमें कम प्रीमियम में अच्छी खासी जो है हमें कैपिटल यूज करने मिलती है और इसके साथ साथ जो प्राइस चला जाता है ऊपर ऐसे मोमेंटम्स में वो तो भाई बढ़िया होता है। जो कि एक्सपायरी वाले दिन मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि फ्री ट्रेड्स देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पेड मेंबरशिप लेते हैं तो उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। लेकिन फिर भी मैंने आज एक फ्री ट्रेड प्रोवाइड किया था और कल भी किया था और वो दोनों ट्रेड्स इतने जैकपॉट हो गए कि 70 से 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें आज निफ्टी के ट्रेड के अंदर हुआ है। और कल तो जैकपॉट ही लगा, 200-250 पॉइंट्स हमने पी के ट्रेड में निकाल लिए थे। तो दो दिन बढ़िया प्रॉफिट हुआ है पी के अंदर। अभी कल भी पी ले या फिर सी ले या फिर रिकवरी आने वाली है, रेंज बाउंड होने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शंस के लिए बढ़िया जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस भी मिलते हैं। तो अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऑप्शंस में, तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई काम के अलावा और कोई बात नहीं मिलेगी। जहां पर आपका फायदा होगा वही चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जरूर फॉलो कीजिएगा मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर क्यों फॉलो करना है, अभी देखिए यूट्यूब पे क्या होता है कि लाइव मार्केट में वीडियो बनाकर अपलोड करना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम बहुत तेजी से आता है, प्राइस चेंजेस जो है वो बहुत तेजी से होते हैं, तो इसके लिए टेलीग्राम यूजफुल रहेगा। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है और अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, जो कि पेड चैनल है, और वहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए अच्छे खासे ऑप्शंस के ट्रेड्स मिलते हैं, तो वहां पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी, आज और कल गणपति चतुर्थी की जो ऑफर चल रही है उसमें आपको 4000 में 4 मंथ्स मिल रहा है, और अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको 2000 में 1 महीना मिल रहा है। तो ये बढ़िया ऑफर है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना इस ऑफर में। कल इस ऑफर का लास्ट डे है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर मिली है, तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है 44,623 के पास। तो मैंने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन जो पहले ट्यूसडे था उसमें मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि देखिए अभी जो मार्केट है, अभी एक्सपायरी भी है और फेड की मीटिंग भी थी, तो इस वजह से मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स ऊपर या फिर नीचे जरूर जाएगा, और एक्सपायरी वाले दिन ही हमें 700 पॉइंट्स नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी बैंक, और ये जो कैंडल है वो हमें बनती हुई दिखाई दी। और आज तो भाई आज तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है और 44,623 के पास बंद हुआ है। 46,000 से सीधा 44,623 आ चुका है निफ्टी बैंक। अभी यहाँ से आगे क्या गिरावट कायम रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। एक बार हम लोग पहले ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर क्या सिनारियो है।
तो यहाँ पर अगर देखे तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट 2,42,000 का है और 2,00,000 की यहाँ पर कॉल राइटिंग हमें 45,000 के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हमें अभी सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है और मार्केट बंद हुआ है 44,600 के पास। तो ये जो सपोर्ट जोन है 44,500-600 का, अगर ये निफ्टी बैंक ने रिस्पेक्ट किया तो सीधा हमें कहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा, जो अपसाइड के लिए सीधा टारगेट रहेगा वो 45,000 का लेवल रहेगा। आज भी हमने देखा कि सपोर्ट से एक बाइंग आ रही थी, क्योंकि सपोर्ट के पास जैसे ही निफ्टी बैंक आता था वहां से 100-150 पॉइंट्स विद इन अ सेकेंड ऊपर नीचे हो रहे थे। तो यानी कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ये जोन होल्ड करता है, इस जोन से नीचे अभी नहीं जाता है, तो यहाँ से 45,000 तक की एक रिवर्सल रैली जो है वो हमें देखने को मिलेगी। वही सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1,30,000 का, 1,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है और सबसे ज्यादा जो पुट साइड में पुट राइटिंग है वो कहां पर है, 57,000 की 44,500 के ऊपर है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें पुट साइड में तो उतना खास हमें बिल्डअप नहीं दिख रहा है, सपोर्ट नहीं दिख रहा है निफ्टी बैंक के लिए। यानी कि अगर निफ्टी बैंक अभी अगर इस जोन से भी नीचे जाता है तो सीधा कहां पर जाएगा, 44,000 की तरफ। तो यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी बैंक 44,500-600 के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है ये देखना। अगर इससे नीचे फिसला तो 44,000 तक का टारगेट हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर एक करेक्शन जो है वो देख सकते हैं। वैसे भी अभी 45,000 से नीचे है तो बुल्स की पावर उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर 45,000 के ऊपर होता तो कुछ बुल्स जो है वो वापसी कर सकते थे या फिर हमें एक तेज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता था। फिलहाल अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, तो 44,623 के पास बंद हुआ है। तो कल के लिए ऑप्शन कौन सा बाय करे और क्या करे, कौन से लेवल के पास जाए, तो पहले तो मैं आपको लेवल्स बताती हूँ। 44,623 के पास बंद हुआ है ना, तो यहाँ से जो हमें सेलिंग का लेवल रहेगा वो 510 और 530 का लेवल रहेगा। 44,510 और 530 अगर निफ्टी बैंक यहाँ पर आता है और इससे नीचे फिसल जाता है तो हमें तुरंत ही पी साइड में जाना है, क्योंकि डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी का टारगेट 44,400 एंड 350 का लेवल रहेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पी के अंदर हमें प्रॉफिट बन सकता है और अगर इससे नीचे ही रहा तो चांसेस है 44,200 और 250 तक गिरने के निफ्टी बैंक के लिए। तो ये डाउनसाइड की बात हो गई। तो यहां से कौन सा ऑप्शन बाय कर सकते हैं, अगर 44,530 या फिर 510 के पास आप अगर एंटर करते हो पी के अंदर, तो आपको जो है वो 44,600 पी का ऑप्शन लेना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल सकता है 44,600 के पी के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करेंगे 44,600 का पी, तो आपको 350 या फिर 400 के पास वो पी बुक कर लेना है और हमेशा कम से कम 30-40 पॉइंट्स का एसएल रख लो। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा हुई तो ये एसएल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर वोलेटिलिटी कम रही, नॉर्मल रही, तो नॉर्मल ये एसएल हिट नहीं होता है, इसकी ध्यान रखिएगा। लेकिन एसएल के सिवाय कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए जो नेक्स्ट रैली है वो होगी 44,830 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी 830 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक सी के अंदर जाना थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है। अगर आप देख रहे हो कि 600 के ऊपर भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 500 और 600 के जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो सीधा 45,000 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप जरूर यहां पर बाइंग कर सकते हैं 44,600-650 के पास। आप जो है वो 44,400 या फिर 500 सी ले सकते हैं और अपसाइड के लिए 800 और 850 के पास पहला प्रॉफिट जो है आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि यहां से निफ्टी बैंक फिर से डाउनसाइड के लिए आने के चांसेस है। एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो अगर सेफ प्लेयर हो तो इसके ऊपर ही बाइंग करना सी के अंदर, अगर रिस्की प्लेयर हो तो 44,600-650 के पास सी के अंदर जा सकते हो, लेकिन अपना प्रॉफिट जो है वो 800-850 पे बुक कर लेना। और फिर यहां पर मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है ये देखना, फिर यहां से सीधा जाएगा 45,000 के तरफ। तो ये चांसेस हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा
तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी बैंक निफ्टी की तो हमने बात कर ली, अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो भाई निफ्टी ने भी 20,000 का लेवल तोड़ दिया है। मैंने आपसे कहा था 20,000 अगर निफ्टी होल्ड रखता है तो चांसेस है 20,400 और 500 के तरफ निफ्टी के जाने के, लेकिन निफ्टी ने 20,000 तो तोड़ ही दिया है। अभी यहां से देखें तो 19,700 के पास पहुंच चुका है। यहां से रिवर्सल होगा या फिर और फॉल बाकी है, करेक्शन बाकी है, ये देखेंगे। पहले हम लोग ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का अभी ऑप्शन चेन डेटा मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो 28 सितंबर का ऑप्शन चेन डेटा है मेरे सामने, और कॉल साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 1,58,000 का, जो कि 20,000 के ऊपर है। अभी कॉल राइटिंग की बात करें तो 1,00,000 की कॉल राइटिंग 800 के ऊपर बनी हुई है, 90,000 की कॉल राइटिंग 900 के ऊपर बनी हुई है, 800, 900, 20,000 ये तीनों लेवल अभी रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट तो 700, 750 पे है, लेकिन 800 के पास आकर भी निफ्टी अटकने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर सामने देखें तो सपोर्ट है कुछ, तो 1,00,000 का सिर्फ ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर 700 के ऊपर दिख रहा है, और 1,31,000 का सीधा 500 के ऊपर दिख रहा है। पुट राइटिंग की बात करें तो हलचल कहाँ पर है, यहाँ पर है 700 के ऊपर, 46,000 की है 500 के ऊपर। तो निफ्टी के लिए बात करें तो 700, 750 का सपोर्ट ही है। अभी ये सपोर्ट भी टूटने के कगार पर है, क्योंकि यहां से अगर ये सपोर्ट टूटा तो सीधा निफ्टी करेक्शन दिखाएगा 500 के तरफ। तो निफ्टी के अंदर भी और ज्यादा करेक्शन हम लोग देख सकते हैं 19,500, 480 तक। यहां से कुछ रिकवरी हुई तो अदरवाइज ये सीधा निफ्टी यहां पर हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो कल के लिए कौन से लेवल के पास कौन सा ऑप्शन बाय करें, पहले तो हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं। 742 के पास फिलहाल निफ्टी जो है वो बंद हुआ है। 19,710 के यहां से अगर निफ्टी नीचे फिसलता है और 5 से 10 मिनट के लिए अगर इससे नीचे ही रहता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा टूवर्ड्स 19,650 एंड 19,630। तो ये फॉल आप कैच कर सकते हो और पी साइड में एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है वो 19,800 पी लेना चाहिए, यहाँ पर आपको इस पी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको जो है वो 710 के टूटने का वेट करना है, तभी पी साइड में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आपका नुकसान होगा अगर आप ऊपर के साइड में जाते हो तो। क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट जो है वो अभी 710 के पास है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो सीधा नीचे आएगा निफ्टी। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए जब तक निफ्टी 19,820 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, सी में एंटर करना रिस्की रहेगा। 700-800 के बीच में अगर पी सी में जाओगे ना तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स के अंदर मार्केट फंसा सकता है, फिर रेंज बाउंड होके ना सी में प्रॉफिट होगा ना पी में। इसलिए मैंने जो लेवल्स बताए उसी लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा। 19,820 अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट जो है निफ्टी जो है वो सीधा हमें 19,880 एंड 19,930 के तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप एक 19,650 या फिर 700 सी बाय कर सकते हैं, आपका यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन कभी 820 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।